हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग इस प्रकार की होने जा रही है। जो मेरा मित्र है वो आ रहा है, हमें कुछ थोड़ी दूर 15-20 किलोमीटर समथिंग हमको जाना है। फर्स्ट कॉल आ रहा है हमारे मित्र का, ये देखिए। ठीक है, बात करते हैं। हेलो, मैं आईटीआई कॉलेज कॉलेज के बाहर। तो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, फोन आने का वेट करते हैं, अभी तो 1 बजने में। तो अभी वेट करते हैं कि कब आता है। गाइस, हमने हमारी स्वेटर रख लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं। बस आ जाए, काम थोड़ा तेज़ है, धूप बड़ी तेज़ लग रही है, बट शाम को नहीं लगेगी, शाम को ठंड लगेगी। ठंड ऐसी लगेगी कि इसको पहनना ही पड़ेगा। ये स्टूडेंट बोलते हैं मुझे कि सर कहाँ जा रहे हो? तो मेरे हाथ में गिम्बल और मोबाइल देखा तो मुझे तो आगे, इसलिए मैं नीचे कर लिया और दूर से उनकी शूट कर ली। तो गाइस, ये हमारा मित्र आ गया। गाइस, हम प्रॉपरली बागली आ रहे हैं और अभी हम कुछ सिलसिले में रुके हैं। तो हमको कुछ कार्ड वार्ड देना है कार्यक्रम का, तो अभी हम कार्ड दे के फिर निकलते हैं। तो हमने कार्ड बाहर दिए और मुझे लग रहा है कि अब वीडियो में अच्छा नज़र आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल जो हमारे पास वन प्लस जो फेरा है। गेट बाहर से लगे, लेकिन गाइस एक भैया थे, उन्होंने गेट लगा के और देखने कि ये दीवार कुदाती है या नहीं कुदाती है। हो सकता दीवार कूदना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉल करके बुलाते हैं। हमारे मित्र ने अभी हेल्प मांगा है साइड में, जो कुछ दीदी थे उनसे बोला कि बाहर से गेट लगा है क्या, देखते हैं बाहर से लगा तो खुल जाएगा, ताला होगा तो। भोजन साथ ही चल रहा था, भंडारा काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे भंडारा गए नहीं। आज हमको हमारे मित्र ने बोला कि यहाँ पे बागली भंडारा है, चलो भंडारे में। तो हम आए भंडारे में, भंडारा जो ना अपन जगह से कर रहे। तो जैसे हम आ गए और एक महाकाल की नगरी है जटाशंकर, जो एक बहुत ही अच्छी जगह है, जैसे स्थल मान लो पता एकदम पर्सनल। ये समाधि स्थल। तो जैसे गाइस, श्री जटाशंकर महादेव मंदिर हम आ गए हैं, तो
थोड़ा क्लिप ले लूँ। ठीक है, हम आ गए भंडारा से, डायरेक्ट हम यहीं आए, तो प्लान हुआ है चलो क्लिप बनाते हैं, जटा शंकरण जाकर वीडियो बनाते हैं, जो उसका मंदिर काय का बना है वो सब मैं आपको बताता हूँ, और कौन से भगवान है और कौन कौन से देवी देवता है। ठीक है, चलते हैं हम अंदर। तो जैसे गाइस हम जटा शंकर के आ गए हैं, तो चलिए मंदिर देखते हैं। भीड़ नहीं है अभी तो, ये लो भाई मेरे, अभी तो कुछ भीड़ नहीं है, भीड़ में हम दोनों की भीड़ है क्योंकि हम दो ही काफ़ी है। तो जैसे कि यहाँ पे गणेश जी एंड जो नवरता में जो विसर्जन हुआ था यहाँ पे करने आए थे दुर्गा जी एंड गणेश जी। वाह गजब, मतलब कि पानी में, शायद पानी में क्या होंगे, उनको निकाल के बाहर रख दिए। और ये रहा मंदिर, कौन सा मंदिर है हम अंदर जाके देखते हैं। तो अभी हम मंदिर में आ चले हैं और मंदिर देखते हैं। तो सरावा आ रहा है, ये पानी खा रहा है, वो पानी दिखाते हैं। और ये हनुमान मंदिर, और यहाँ पे रामायण पढ़ी जा रही है, दादा पढ़ रहा है रामायण। एंड इधर का मंदिर है राम मंदिर। मेले जब यहाँ पे जब मेला लगता है, इतनी भीड़ रहती यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची खड़े होने। और इधर काफ़ी शोर लग रहा है वो पानी। और यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर, राम मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, दोनों मंदिर पावर हो गए, बहुत बढ़िया। ये वो हवन है, यज्ञ जो भी है, यहाँ पे हर साल हवन होता है। कि ये है जल धारा, गंगा धारा जो शिव की जटा से निकल रही है, जैसे गाय शिव की जटा से नहीं निकल रही है, नदी में से आके यहाँ पे आई है। और जो मंदिर प्रसिद्ध है, जिस नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, हमको शंकर जी को देखने को मिला नहीं, तो आए हो तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि शंकर जी कहाँ बसते हैं यहाँ पे जटा शंकर में। तो मैं फर्स्ट बार आया था, यानी कि मैं करीबन तीन चार बार आ गए, बट लेकिन ये नहीं पता कहाँ है। तो एक बार बरसात में आया था, वो वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वो देख लेना, क्योंकि उस टाइम आया था तो बहुत मज़ा आया था, बरसात का टाइम बहुत अच्छा लगता है। चलिए निकलते हैं हम आपको इस मंदिर की ओर। तो ये ऐसा है, कल घर में मंदिर है शंकर भगवान का मंदिर। यहाँ की एक खासियत बात, खासियत ये है कि यहाँ पे हमेशा पानी आता है। बहुत ही शानदार, बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, मूर्ति बहुत प्राचीन। और यहाँ पे भी उसी प्रकार से मंदिर बनाए गए हैं, यहाँ पे विष्णु भगवान का रूप मंदिर। और क्या क्या और देखते हैं कि यहाँ पे स्वयं भगवान शंकर जी बैठे, तो नमस्कार प्रणाम। और यहाँ पे माँ दुर्गा जी का, तो मतलब इस तल घर में भगवान शंकर जी विराजमान। तो यहाँ पे लिखा है ओम नमः शिवाय, और लिखा इधर लिखा है हर हर महादेव। अच्छा आया जब तक घंटे की बजाय, ये लो अब लगा कि हाँ कोई भैया मंदिर में आए हैं, हम भी बजा लेते हैं। ये हमारे आशीष जी मालवी जी खुद चढ़ा रहे हैं। तो भाई हम बताएं भगवान जी और मानो जी का हमेशा इसका ये भी है कि हमेशा गिरता है, तो मुझे इतना कंफर्म तो नहीं पता है, बट मैं जब भी यहाँ आया हम ऊपर शंकर जी भगवान के ऊपर पानी बरसता है, मुझे इतना पता नहीं कि कहाँ था, बट उन्होंने यही बोला था ये गुजरा। तो दूसरी लोग बच्चे और आपको नाखून वाला बाबा बताता है, बड़े बड़े रंग में नाखून थे, ठीक है मैं तो लोगों से मैं बोलता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया जो नाखून वाले के पास जैसे गए, ये गुरु जी वही है जिनकी बाहर समाधि बनी है, और तो नाखून वाले बाबा सबसे बड़ा था। तो ये गोविंद दास जी जिनका नाखून यहाँ के सभी साधु। एंड ये तो पता नहीं, फिर ये है पानी, और ये देखिए यहाँ का दृश्य सीन, और पीछे है वो मंदिर। तो गाइस मैं डायरेक्ट ये जो फ्रंट में दिखाई दे रहा हूँ, ये कुछ एडिटिंग का कोई कमाल नहीं है, इसमें मोबाइल का इफेक्ट है। तो गाइस यहाँ का बहुत घूम गए, और ये देख रहे हैं आप मंदिर, ये संगमरमर का, क्योंकि मैं पहले आया था ये बन रहा था, और नीचे का तो बहुत काफ़ी टाइम से बना हुआ है, उसको थोड़ा मरम्मत और फाउंडेशन सुधार दे गए तो ठीक हो। और ये है शादी
साधु मुनि मतलब कि यहाँ पे जो सेवा चाकरी करते हैं, मंदिर की देखभाल करते हैं, वो शायद रहते होंगे, शायद क्या रहते हैं। तो अच्छा लगा, मतलब सुनसान है वातावरण, अच्छा लगा। भीड़ में तो कुछ किच किच मजा नहीं। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना यार प्लीज, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो तो आप समझ सकते हो कितना मेहनत। ठीक है, चलते हैं। घूम लिया मंदिर तो हमको अच्छा लगा, और हमारे तो कुछ बागलिन कुछ काम था, सोचा कि मंदिर अंदर हुई जाते सालों से बना हुआ चाहिए, बट बहुत सालों से बना हुआ है। जो शिवरात्रि आती है उस टाइम से यहाँ पे बहुत ही हम यहाँ बैठे, हमको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं, मतलब जो दर्शकगण आते हैं दिन भर में करीबन 50-100 तो आई जाते हैं। हम भी आए उन्हीं में से एक गिनती, 100 में से एक हम ही होंगे। तो कैसे लगा मंदिर कमेंट्स में जरूर बताना, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही तो कमेंट जरूर कर देना, मैं हर मंदिर की कमेंट रिप्लाई करता हूँ। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हम निकलते हैं, अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 4 बजने वाले हैं, तो घर निकलते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने एक शॉर्ट वीडियो भी शूट किए हैं, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी मैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हमारे आतिथि मालवीय की शॉर्ट वीडियो हमने शूट किए, क्योंकि मेरा को तो करना था ब्लॉग वीडियो, तो मैंने ब्लॉग किया, उनको करना था शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट के बड़े दीवाने मस्ताने। और उनकी बाइक की बात की जाए तो उनकी बाइक तो लाजवाब है भैया, पूरी मॉडिफाई, जो भी देखते हैं कहते हैं उसके टायर कैसे। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा सिनेमेटिक।